नुआखाई जोहार। नमस्ते प्रणाम इस तरह का जो शब्द है हमारे पश्चिमी उड़ीसा में हम जोहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे एक पश्चिम उड़ीसा में बहुत बड़ा त्यौहार होता है जो खास करके किसानों के लिए होता है। वो त्यौहार किसानों का त्यौहार माने मगर पश्चिम उड़ीसा में बसने वाले हर वासी इस त्यौहार को मनाते हैं, इसलिए हम इसे गणपर्व कहते हैं इसको। और आइए हम आज चर्चा करते हैं हमारे पश्चिम उड़ीसा का अगर सबसे बड़ा पर्व है नुआखाई, तो नुआखाई में आप जाते इतने ही देखते हैं किसान भाई खेतों में आते हैं, धूप डालते हैं, पूजा करते हैं धरती का, उस बार नुआखाई जोहार करते हैं, आप उतना ही जानते हैं। मगर नुआखाई जो हमारा त्यौहार है ये परंपरा कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ और इसमें क्या क्या करते हैं, सब बारे में चर्चा करेंगे। मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और एक किसान भाई भी हैं, आज हम उनके खेत में ही बैठे हुए हैं तो नुआखाई के ऊपर, तो आज राजेश भाई से बात करते हैं। राजेश जी नुआखाई जोहार। नुआखाई जोहार जी। तो आज तो नुआखाई त्यौहार है, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमारे पश्चिम उड़ीसा में मनाने वाले नुआखाई के बारे में थोड़ा, कि हमारा त्यौहार कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इस त्यौहार में क्या क्या किया जाता है, थोड़ा परंपरा के बारे में हमें बताइए थोड़ा नुआखाई की।